सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त भी पीएम की सुरक्षा में से इन मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। अब से कुछ ही देर पहले यह सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें जज और वकील वर्चुअल तरीके से शिरकत कर रहे हैं। जिरह अब भी जारी है। राज्य के गृह सचिव बता दें कि उन्हें भी इस जांच में शामिल किया गया है। इस चूक पर जो सुनवाई चल रही है, राज्य सरकार इस मामले में जांच नहीं कर सकती और वहीं जांच के लिए एनआईए का होना जरूरी है, ये एसजी की ओर से कहा गया है। संजय शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं और अपडेट के साथ। संजय, इस वक्त क्या दलीलें दी जा रही हैं? दलीलें ये दी जा रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुना है और उन्होंने कहा कि हमने दोनों पक्ष सुने हैं, हमें आप दोनों की बहस और दलील और तर्कों से ये लग रहा है कि राज्य सरकार केंद्र की जांच समिति से संतुष्ट नहीं है और केंद्र राज्य सरकार की जांच समिति से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में क्या ये मुमकिन है कि आप दोनों एक साझा जांच समिति या जांच आयोग बनाए और जिससे इस मामले की जांच हो, क्योंकि लगाए गए आरोप और घटना की सारी चीजें जो दिल्ली विस्तार से बताया जा रहा है वो सारी गंभीर हैं, क्योंकि मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। लिहाजा अब दोनों पक्ष इस बात पर, कोर्ट ने बात यहां तक लाकर छोड़ दी, यानी बीच में जो पाला होता है वहां पर गेंद लाके रख दी है और ये कहा है कि साझा कमीशन, साझा आयोग आप लोग अगर बना सकते हैं तो बढ़िया होगा, क्योंकि दोनों ही पक्ष को केंद्र और पंजाब सरकार को एक दूसरे के जांच कमेटी पर आपत्ति है। पंजाब सरकार ने भी ये साफ कहा कि अगर केंद्र को हमारी जांच कमेटी पर आपत्ति है तो हमें भी केंद्र की जांच कमेटी पर आपत्ति है, क्योंकि उस समय भेदभाव होगा और राज्य सरकार में चूंकि सरकार उस दल की है जो केंद्र में सत्ता में नहीं है, यानी विपक्षी दल की है, लिहाजा इसमें कंट्राडिक्शन बढ़ेगा। ऐसे में अब देखा यह जाएगा, बहस आगे चल रही है जिसमें ये क्या दोनों पक्ष आपस में सहमत होते हैं, चूंकि केंद्र सरकार ने कहा था कि जब राज्य के डीजीपी और गृह सचिव इस मामले में रडार के अंदर हैं, तो ऐसे में कैसे गृह सचिव जांच कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं जो खुद आरोपों के घेरे में है, वो कैसे जांच कमेटी का हिस्सा हो सकते हैं? ठीक, इस पर यह कहा गया है कि इसमें एनआईए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी, जांच एजेंसी, उसके भी एक नुमाइंदे का होना जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर नया वीडियो सामने आया है। वीडियो उसी वक्त का है जिस वक्त पीएम का काफिला फिरोजपुर के फ्लाईओवर में फंसा हुआ था और वीडियो में देखा जा सकता है कि पीएम का जो काफिला है वो काफी देर वहां रुका हुआ है। प्रदर्शनकारी दूर से ही आपको दिख रहे होंगे, एसपीजी पीएम की गाड़ी को घेर कर खड़ी है, कुछ जवान बाहर आपको नजर भी आ रहे हैं और वहीं थोड़ी दूर पर प्रदर्शनकारी मौजूद थे। आगे पीछे आप देखेंगे तो गाड़ियां भी आपको नजर आएंगी। फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का सवाल उठा तो पंजाब की चुनावी राजनीति में भूचाल सा आ गया। अब इस सवाल पर केंद्र और पंजाब की चन्नी सरकार में तकरार साफ तौर पर दिखाई दे रही है और पंजाब के मुख्य सचिव ने इस मसले पर केंद्र को एक रिपोर्ट भेजी जिसमें सुरक्षा में चूक के आरोपों से इनकार हुआ। उधर केंद्र सरकार पंजाब पुलिस के जिम्मेदार अफसरों को दिल्ली तलब करने की तैयारी में है। जब मामला प्रधानमंत्री का हो तो लापरवाही लकीर बन जाती है, ऐसी लकीर जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी जाति बिरादरी या मजहब के नहीं होते, पूरे मुल्क के होते हैं। फिरोजपुर में जो कुछ भी हुआ उसकी जांच हो रही है, जिम्मेदारी तय हो रही है, उन तमाम अफसरों का हिसाब किताब हो रहा है जिन पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जिम्मा था। सूत्रों से खबर है कि केंद्र सरकार सुरक्षा में चूक पर पंजाब पुलिस के अफसरों को समन भेज सकती है, जिम्मेवार पुलिस अफसरों को दिल्ली तलब कर पूछताछ हो सकती है, पंजाब पुलिस के जिम्मेवार अफसरों पर एसपीजी एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है। एसपीजी एक्ट की धारा 14 के तहत कार्रवाई पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। एसपीजी एक्ट की धारा 14 राज्य सरकारों की जिम्मेदारी से संबंधित है। केंद्र सरकार केंद्रीय स्तर पर जांच कमेटी बनाने पर भी विचार कर रही है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध के मामले को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया है, इसीलिए गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है और इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाई है। केंद्र सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ एसपीजी एक्ट लगाने की तैयारी में है जो इस पूरे मामले के लिए दोषी है।
इस मामले में बड़े फैसले लेकर केंद्र सरकार ये संदेश देना चाहती है कि इस तरीके के मामले में किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। सवाल है कि केंद्र सरकार अगर कार्रवाई पर उतर आती है तो पंजाब सरकार क्या करेगी। इस सवाल का जवाब जानने से पहले जरा पंजाब सरकार के अब तक के रुख पर गौर कर लीजिए। मामला सामने आने के बाद फौरन चरणजीत सिंह चन्नी मीडिया के सामने आते हैं और सुरक्षा चूक के आरोप से इनकार करते हैं। चन्नी सरकार जांच कमेटी का गठन करती है और 3 दिनों में रिपोर्ट की समय सीमा भी तय कर देती है। मैंने पंजाब में एक एक्स हाईकोर्ट जज, फॉर्मर हाईकोर्ट जज को इसकी जिम्मेवारी सौंपी है कि वो इंक्वायरी करे। उनके साथ अपने होम मिनिस्टर को लगाया है, 2 मेंबरों की एक कमेटी बना दी है, एक कमीशन बना दिया है हाईकोर्ट रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के अंडर, जो इसको देखेगा और पूरी इंक्वायरी की 3 दिन में मुझे रिपोर्ट देगा। और अब खबर ये है कि पंजाब के मुख्य सचिव ने गृह मंत्रालय को एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है मौके पर प्रदर्शनकारी अचानक पहुंचे थे, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे, किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस सतर्क थी, अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती थी। सूत्रों से मिली जानकारी में पंजाब पुलिस ने एक फैक्चुअल रिपोर्ट भेजी है। उन्होंने ये कहा कि हमने केंद्र को बता दिया था कि 9 फार्म यूनियंस विरोध प्रदर्शन करेंगी। उन्होंने कहा था कि हमने सारी तैयारी की थी, चौपर से लेके अतिरिक्त मैन पावर यानी बूट्स ऑन द ग्राउंड लगाने की। इसी बीच में बारिश की वजह से जब प्रधानमंत्री रोड से आ रहे थे, उसी बीच एक जगह पर अचानक से किसान आ खड़े हुए, उन्हें हटाने की कोशिश भी की गई। इंस्ट्रक्शन साफ थे कि फायरिंग या लाठीचार्ज उन पर नहीं की जाएगी। इस रिपोर्ट की पूरी डिटेल अभी आना बाकी है, लेकिन शुरुआती नतीजों का संकेत तो यही है कि पंजाब सरकार बैकफुट पर आने को तैयार बिल्कुल नहीं है। पंजाब पुलिस चूक मानने को तैयार नहीं, तो सवाल ये है कि अगर केंद्र ने बुलाया तो पंजाब पुलिस के अफसर दिल्ली आएंगे, केंद्र के समन को स्वीकार करेंगे या उसी अंदाज में दरकिनार कर देंगे जैसे कोलकाता में ममता बनर्जी के मातहत अफसरों ने किया था। दिल्ली से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा किस तरीके से ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। नया जो वीडियो सामने आया उसमें लगभग स्थिति स्पष्ट है अर्पिता की, किस तरीके से सेंध हुई और उसके बाद पीएम के पूरे काफिले को यू टर्न लेकर वापस जाना पड़ा। ये आमतौर पर नहीं देखा जाता है। पंजाब में चुनाव होने हैं तो पीएम की सुरक्षा में सेंध पर सियासी तनाव भी है। बीजेपी चन्नी सरकार को हर मोर्चे पर घेरने में लगी हुई, एक तरफ केंद्र सरकार की जांच की आंच है तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। और देखिए नेहा, बीजेपी की सरकार वाले राज्यों में प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ और हवन हो रहे हैं और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के सीएम भी जा पूजा और हवन कर रहे हैं। यूं तो ये धार्मिक आयोजन दिखते हैं, लेकिन गौर करें अगर इनमें तो इन आयोजन का मकसद राजनीतिक है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल जश्न मना रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई। लोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य। लेकिन सरकार ने बीच रास्ते में हाथ खड़े कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते। पंजाब की ठहरी राजनीति में यह हाल का सबसे बड़ा भूचाल था। सेंध पीएम की सुरक्षा में लगी और संभावनाओं के ज्वार भाटे सियासी समंदर में हिलोरे लेने लगे। चंडीगढ़ से दिल्ली तक नई मोर्चाबंदी नजर आने लगी। इस प्रकरण से पंजाब की पॉलिटिक्स को कितना असरदार बूस्टर डोज मिला, इसकी बानगी देखिए। पहला मोर्चा बीजेपी के नेताओं का खुला, जहां चन्नी सरकार पर चौतरफा हमले होने लगे। केंद्र के मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, पार्टी के प्रवक्ता, प्रदेश के नेता, कांग्रेस और चन्नी सरकार पर चौतरफा हमले शुरू हो गए। कि कांग्रेस के आला कमान के बिना कहे कांग्रेस में एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो जो 24 घंटे कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के सोशल मीडिया हैंडल्स जश्न मना रहे थे कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा भंग हुई, क्या वो भी किसी आदेश के अनुसार मना रहे थे?
देश भर में एक आक्रोश आज दिखता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को इस प्रकार से भंग किया गया। इस प्रकार की अनैतिक, असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक व्यवस्था को भारत कभी स्वीकार नहीं करेगा। चाहे राष्ट्र का विकास हो, राष्ट्र का हित हो या राष्ट्रीय सुरक्षा, सभी को अपनी निजी राजनीति के तराजू पर तौलते तौलते आज वह इस सीमा तक आ गए कि मोदी जी के प्रति ईर्ष्या, मोदी जी के प्रति वैमनस्य, मोदी जी के प्रति घृणा, मींस बोथ इन द जेलसी, कंटेम्प्ट एंड हेट्रेड। समय नहीं है पीएम को रिसीव करने का, सीएम के पास समय नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, जो कोर्ट में मामला चल रहा था, सुनवाई चल रही थी, फिलहाल सुनवाई अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। ये जानकारी मिल रही है, पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, दोनों ही पक्ष अपनी दलील दे रहे थे और जो कोर्ट की तरफ से ये माना गया कि कुल मिलाकर जो राज्य ने कमेटी गठित की है, ये जिस तरीके से जांच राज्य बढ़ाना चाह रही है आगे, उससे केंद्र संतुष्ट नहीं है और केंद्र जिस तरीके से जांच कराना चाह रही है वो राज्य को लेकर संतुष्ट नहीं है। फिलहाल जानकारी ये कि अब सोमवार को आगे सुनवाई होगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। संजय शर्मा हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजय, सोमवार तक क्यों टाला गया है, जिरह क्यों खत्म हो गई अचानक? सोमवार तक इसलिए टाला गया है क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा है कि क्या आप साझा जांच आयोग या जांच समिति बना सकते हैं, इस पर अगर आपकी सहमति हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। इस पर यह कहा गया कि ठीक है, हम इस पर बात आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन तब तक राज्य और केंद्र सरकार की जो कमेटी है, जांच कमेटियां हैं, सोमवार तक इन्हें किसी भी रिकॉर्ड हाथ में नहीं लगने देना चाहिए, क्योंकि कोई भी कमेटी, पंजाब सरकार ने 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है, 24 घंटे के अंदर में उनको जांच पूरी करके रिपोर्ट देनी है, लिहाजा वो इसी बहाने दस्तावेजों तक जा सकते हैं, जो रिकॉर्ड और कम्युनिकेशन है एजेंसियों के बीच आपसी, उन तक वो पहुंच सकते हैं। लिहाजा ये कहा गया कि किसी भी जांच एजेंसी को अगले सोमवार तक, अगली सुनवाई तक, उन रिकॉर्ड्स तक नहीं उनके हाथ लगने देना चाहिए। कोर्ट ने इस मामले में बचाव करते हुए ये कहा है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल सारे दस्तावेज इकट्ठा करके अपने कब्जे में रखेंगे और जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आदेश देगा उसके बाद ही उन्हें किसी के हाथ लगने दिया जा सकता है। यानी सोमवार तक ये मामला टला, कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये गंभीर मसला है, लिहाजा इसमें राज्य सरकार को केंद्र की कमेटी पर भरोसा नहीं, केंद्र को राज्य की कमेटी पर भरोसा नहीं। क्या एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच एजेंसी बनाई जा सकती, साझा जांच एजेंसी जिसमें राज्य सरकार के लोग भी हों, केंद्र सरकार के लोग हों, आपसी सहमति से वो बना ली जाए? केंद्र सरकार की तरफ से यह कहना था कि इसमें एनआईए का भी एक नुमाइंदा होना चाहिए, गृह सचिव बिल्कुल मंजूर नहीं है क्योंकि गृह सचिव रडार में है, जांच के दायरे और घेरे में है, लिहाजा ऐसी कमेटी बने जिस पर दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं हो और वो जांच करे। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि वो जांच कमेटी इसलिए बनाना चाहती है कि वो चाहती है कि इस तरह की चूक भविष्य में दोबारा और कहीं ना हो, लिहाजा उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती है। हमारा मकसद किसी सरकार को, यहां पर राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर कुछ ऐसा करना होगा, एक कमेटी जिस पर दोनों की सहमति बने और वो आगे जांच करे कोर्ट की तरफ से, तो फिलहाल ये कहा गया। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के।